नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। महिंद्रा की कार और रुतबे से जुड़े हुए तार हर किसी को पसंद आते हैं। यदि रुतबा आपको पसंद है और बजट थोड़ा सा टाइट है ना आपका, तो इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी बलेरो नियो ही है। 11,21,000 रुपये में ये जो वेरियंट है N10R बहुत ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएट करता है। इसका एक टॉप मॉडल भी है N10 ऑप्शनल, जिसमें आपको डिफरेंशियल लॉक मिलता है, वो आपको तकरीबन 12,01,000 प्राइस में मिलता है। लेकिन अभी जो है N10R के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। 2023 का ये लेटेस्ट मॉडल रहने वाला है। इसमें आपको पीछे देखिए कितना बेहतरीन बलेरो के लोगो के साथ एक नया स्पेयर व्हील के ऊपर प्रोटेक्शन कवर मिलता है, जिसपे नया ड्यूअल पी का लोगो है। इसने इसके लुक में 4 चांद लगा दिए हैं दोस्तों, भाई मज़ा ही आ गया इसको देख के। N10 के नीचे बैजिंग रहेगी, उधर आपका लेफ्ट साइड में बलेरो के ऊपर नियो लिखा हुआ है। पीछे 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको, लेकिन थोड़ी सी बात ये खली है कि इसमें आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है, बाकी वाइपर वाशर डिफोगर सब मिलेगा। क्योंकि बड़ी गाड़ी है, थोड़ा सा कैमरा अच्छा होता कि टाइट पार्किंग वगैरह में आपको काफ़ी बेहतर तरीके से असिस्ट कर पाता हो। लेकिन नेवर्थलेस कंपनी का अपना ही सोचने का एक तरीका है। काफ़ी वर्टिकल शेप में इसकी टेल लाइटें दी गई हैं, उसी में आप देखेंगे ब्रेक लाइट के लिए, रिवर्स गियर के लिए और इंडिकेटर के लिए जो बल्ब है, पूरी एक ही हाउसिंग मिलता है आपको सब कुछ। 180 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, आप देखिए बेहद शानदार है दोस्तों। बेसिक ये जो एलॉय व्हील का साइज 15 इंच का है, उसके बावजूद भी इसकी जो स्टांस है ना, काफ़ी बेहतरीन है। और काफ़ी कम ऑप्शनों में से ये गाड़ी है जो बॉडी ऑन फ्रेम भी है और रियर व्हील ड्राइव है, तो दोनों चीज़ें एक बेहतर एसयूवी को स्थापित करने में काफ़ी तरीके से प्रभावशाली काम करते हैं दोस्तों। ये जो प्लास्टिक राइडिंग है फ्रंट से होती हुई पूरे रियर तक जाती है आपकी, एक माचो लुक देती है गाड़ी को। आपको ब्लैकआउट डोर हैंडल मिलेंगे। जो ORVM है उसका साइज भी काफ़ी बड़ा है और ये बॉडी कलर के मिलते हैं आपको, तो पीछे का भी बड़ा शानदार मिलेगा। फ्रंट फेंडर के ऊपर इंडिकेटर हैं। फ्रंट से जो लुक है गाड़ी का जबरदस्त है, काफ़ी इम्पोजिंग है। जो बोनट है काफ़ी ऊंचा है, तो एक जबरदस्त व्यू मिलता है इसका, जबरदस्त रोड प्रेजेंस रहती है इसकी। आपको DRL मिलते हैं, काफ़ी बड़ा एक हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, फॉगलैम भी मिलता है, लेकिन पूरा जो सेटअप वो आपका रहेगा हैलोजन बल्ब के साथ। बीच में चीता इंस्पायर्ड ग्रिल है जो पूरे तरीके से आपकी क्रोम फिनिशिंग में दी गई है। सेकेंड टॉप मॉडल है, तो वो चीज़ आपको तुरंत प्रभाव से दिखेंगी भी गाड़ी में, जो आपने पैसे लगाए हैं वो पूरे तरीके से वर्थ रहने वाले हैं। माइक्रो एंटीना मिलता है आपको, एकदम बॉक्सी डिजाइन है, इसलिए जो रोड के ऊपर इसकी जो प्रेजेंस है ना, लोग देखते हैं ये प्रॉपर एसयूवी कितनी शानदार है। काफ़ी माचो लुक है इसका। जो एलॉय है थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं आपको, सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं। बीच में नया लोगो है आपका 215/75, तो 75% थिकनेस काफ़ी हो जाती है दोस्तों, इसलिए इसको प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए मैं श्रेणी में डालता हूँ। क्योंकि इतनी बेहतरीन थिकनेस उसी गाड़ी को दी जाती है जो प्रॉपर तरीके से खराब रस्तों को टैकल कर सके। प्लास्टिक जो क्लैडिंग है वो भी गाड़ी को नीचे से कवर करती हुई चलती है, तो रस्टिंग वगैरह की समस्या नहीं बनने देगी, कहीं एक्सीडेंटली टच हो जाती है तो डेंट या आपका स्क्रैच ही बचा के रखती है गाड़ी को। अब दिखाते हैं इसके इंटीरियर, जो कि लाजवाब इंटीरियर रहने वाले हैं। आपको हो सकता है कि साइड में जो फुटरेस्ट होता है उसकी जरूरत पड़े, लेकिन ये यदि आपकी हाइट ठीक है तो आसानी से गाड़ी के अंदर आप चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ड्यूअल टोन में इंटीरियर मिलता है, आप देखिए यहाँ पर हल्का सा ब्राउनी शेड का इस्तेमाल किया गया है, कुछ पार्ट उसमें सिल्वर फिनिश वगैरह में दिया गया है, अच्छा प्रतीत होता है तुरंत पर आपसे देखने में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें एक अलग फीचर देखने को मिलेगा जो आमतौर पर ट्रेंडिंग नहीं होता है। इसमें पावर विंडो जो कंट्रोल है यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, गियर नॉब के पास दिए गए हैं वो। उसका एक प्लस भी और माइनस भी है। माइनस ये है कि एर्गोनॉमिकली वो बेटर पोजीशन नहीं होती ऑपरेट करने के लिए, लेकिन उसका प्लस ये है कि रेनी सीजन वगैरह में कहीं बरसात में आपको डोर खोलना पड़ेगा ना या सफाई वगैरह करेंगे, तो यहाँ पर जो पानी जाने की समस्या बन जाती है ना कई बार बटन्स में, वो नहीं बनेगी दोस्तों। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं और इसके भी 2 पहलू ज़रूर हैं दोस्तों, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, डिफोगर के लिए है। यहाँ पर इकोनॉमी मोड यदि चलाना चाहते हैं बेहतर माइलेज मिलेगी आपको, हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं। जो ORVM है फोल्डेबल नहीं है इलेक्ट्रिकली, लेकिन एडजस्ट जरूर कर सकते हैं आप। फैब्रिक की सीटें मिलती हैं, काफ़ी बेहतरीन कुशनिंग है, थोड़े से डिजाइन एलिमेंट का इस्तेमाल भी किया गया है। इसकी जो विड्थ है काफ़ी डिसेंट है, तो थोड़ा सा हैवी साइज़ के भी है ना, तो आसानी से गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और जो सीटें हैं लाजवाब कंफर्ट देंगे आपको। पेडलों के बीच की स्पेसिंग भी डिसेंट है, हालांकि डेड पेडल वगैरह और मिल जाता तो और बेहतर हो जाता दोस्तों। 2 चाबियां मिलती हैं आपको, एक रिमोट वाली मिलेगी जिसमें लॉक अनलॉक का बटन होगा, और दूसरी आपकी सिंपल फ्लिप की है डमी बटन्स के साथ। जो स्टेयरिंग व्हील है नए वाला, काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है ये। राइट साइड में क्रूज कंट्रोल मिलते हैं आपको, लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल है वो आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे। और जो ये 10R वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आपको कैनवुड का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, देखिए काफ़ी अच्छा है ये। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह भी ठीक ठाक है दोस्तों, तुरंत प्रभाव से काम करता है ये, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। बाय डिफॉल्ट इसका लेआउट ऐसा रहने वाला है।
हाँ थोड़ा सा लगता जरूर है कि आफ्टर मार्केट वगैरह टाइप का है, लेकिन साउंड आउटपुट वगैरह काफी बेहतरीन है। एक शॉर्ट के माध्यम से मैंने चैनल के ऊपर पोस्ट कर रखा, विजिट करके सुन सकते हैं कि कैसा आउटपुट रहने वाला है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिए, ये भी काफी बेहतरीन है। आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग रहेंगे, बीच में एक MID मिलती है व्हाइट कलर की बैकलाइट के साथ, इसमें पूरी जानकारी मिलेंगी। थोड़ा सा और नजर से दिखाता हूँ अंदर बैठ के आपको। इसके में जो यहाँ पर ये लीवर दिए गए हैं ना, इसको प्रेस करके आप अलग अलग जानकारी से ले सकते हैं, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, स्पीड वगैरह, TPMS मिलता है दोस्तों बिल्कुल। इवन काफ़ी कम गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बगैर स्टार्ट हुए भी आपको टायर प्रेशर बताती हैं, ये उनमें से एक है, तो ये भी जरूरी बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, आप कहीं रोड ट्रिप वगैरह जाते हैं तो TPMS की बहुत जरूरत पड़ती है दोस्तों। लेफ्ट साइड वाला जो टोगल है उससे आप ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हैं। इंटीरियर की झलक देखिए, ये सिंपलिस्टिक सा जरूर दिखाई देगा आपको, लेकिन आप बैठते इतने अच्छे में, देखिए पूरा बोनट विजिबल रहता है गाड़ी का, तो एक काफ़ी सेंसा वाली फीलिंग आती है इस गाड़ी में बैठ के। यहाँ AC कंट्रोल मिलते हैं जो कि मैनुअल रहने वाला है, AC को आप इकोनॉमी मोड में चला सकते हैं, ये भी एक यूनिक चीज़ है बेहतर माइलेज के लिए। यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है आपको फ्लैप के साथ, और साथ में USB और ऑक्स के लिए भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जो थोड़ा सा एक आफ्टर स्कूल टाइप के दिखाई देते हैं, कि बाद में एकदम से विचार आया कि कुछ और देना चाहिए और तुरंत प्रवास यहाँ कटिंग करके दे दी गई है। ये थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, जो गाड़ी ऑन रोड आपको 12.5-13 लाख के आसपास कॉस्ट करती है, उसमें तो ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेटर कस्टमर डिमांड करता है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, जो थोड़ा सा स्टार्टिंग के टाइम पे हल्का फुल्का वाइब्रेशन के साथ दिलता जरूर है। यहाँ पर प्राइस नहीं दी गई है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, छोटा सामान यहाँ भी रख सकते हैं चाबी वगैरह, लेकिन पुश बटन स्टार्ट नहीं है तो चाबी तो यहाँ नहीं रख पाएंगे, लेकिन जब आप खड़े होंगे कहीं पर तो यहाँ रख सकते हैं, या कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पावर विंडो कंट्रोल है, सभी छोटे कप होल्डर वगैरह दिए हैं आपको। जो टॉप मॉडल्स हैं इसमें आर्मरेस्ट मिलता है दोनों बंदों के लिए अलग अलग, और ये काफ़ी यूजफुल है दोस्तों। लंबी दूरी आप तय करेंगे तो इस पर आपकी जो एल्बो आसानी से रेस्ट कर जाती है, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। जो ग्लो बॉक्स है वो भी डिसेंट, हालांकि कूलिंग वगैरह प्रदान नहीं है जो कि दे सकती थी कंपनी, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है वो। जो सनवाइजर है उसमें वैनिटी मिरर मिलता है आपको नॉन ड्राइवर साइड, और जो ड्राइवर साइड वाला आपका सिर्फ टिकट होल्डर के साथ मिलेगा आपको। तो ये दोनों चीज़ें ठीक ठाक है दोस्तों, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। आपको जो डोर ओपनिंग लैंप है वो बल्ब के साथ मिलता है, येलो बल्ब मिलता है, ये थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी का हो सकता था। ये माइक रहेगा ब्लूटूथ के लिए। जो IRVM है उस पर भी आपको टोगल मिलता है डे नाइट में मैनुअली कंट्रोल करने के लिए। तो काफ़ी कुछ मिलता है कुल मिला के दोस्तों, आपको ठीक ठाक लगेगा। जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि एक प्रॉपर SUV मिल रही है आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ, और एक काफ़ी अच्छी कमांडिंग सीटिंग होती है ना, जिसे जो बोलते हैं जो SUV परचेज करने की सोचता है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से सोचता है, वो सभी चीज़ें इस गाड़ी के साथ बिल्कुल स्टिक बैठती हैं। अब चलते हैं इसकी सेकेंड रो में और वहाँ दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। ₹2650 के आसपास का जो इसका व्हील बेस है उसमें आपको तुरंत पर बहुत से पता चल जाएगा कि स्पेस कितना शानदार मिलता है। बिल्कुल फ्लैट सीटें हैं, 3 बंदे भी आसानी से, यदि हैवली बिल्ड के भी है ना वो बैठ सकते हैं इस गाड़ी में बगैर किसी परेशानी के, कोई शोल्डर रूम वगैरह की कोई परेशानी उनको आएगी नहीं। बीच में जो फ्लोर हम्प है वो भी काफ़ी कम है, तो सेंटर में जो बंदा बैठेगा उसको परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है, अभी पोलोथिन अप्लाई कर रखा है तो मैं खोल के नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको। हालांकि इसमें कप होल्डर वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, एक पीछे भी लाइट मिलती है आपको येलो बीम के साथ, तो काफ़ी बेहतरीन स्पेस है दोस्तों। एक और चीज़ अब कंपनी बेहतर करती जा रही है कि आपको यूटिलिटी स्पेस बहुत शानदार दे रही है महिंद्रा, तो यहाँ पर भी आपको पीछे कप होल्डर वगैरह मिलते हैं और एक बोतल बैठ जाएगी 1 लीटर तक की बगैर किसी परेशानी के। हाँ ये जरूर है दोस्तों, हल्के हल्के फिट एंड फिनिश इशू थोड़े से नजर आते हैं जो और बेहतर अभी होने चाहिए थे, पैनल गैप वगैरह इनका थोड़ा सा महिंद्रा को थोड़ा सा काम लगेगा। अब दिखाते हैं आपको 384 लीटर का जो बूट है वो कैसा मिलता है। देखिए जो जम सीटें हैं ना उनका फायदा बहुत होता है दोस्तों, यदि सभी सीटों के ऊपर नहीं है तो आप इनको फोल्ड कर सकते हैं जैसे की हुई है, और कितना शानदार बूट स्पेस मिल जाता है। कहीं लंबे ट्रिप पे बैठ जाएंगे ना तो पूरा सामान आपका यहाँ आसानी से बैठ जाएगा बगैर किसी परेशानी के, और आत्मा खुश हो जाएगी आपकी, इतनी बेहतर गाड़ी है ये कि प्रैक्टिकलिटी भी शानदार है। एक आपको बेहतर कमांडिंग व्यू भी मिलता है अंदर बैठने के बाद, एक प्रॉपर SUV भी है, रोड प्रेजेंस भी जबरदस्त है इसकी। 50 लीटर के आसपास का जो फ्यूल टैंक है, साथ में 17 KMPL की माइलेज क्लेम की जाती है, तो इससे बेहतर रेंज क्या मानेंगे गाड़ी से। जो 1.5 लीटर का एमोक इंजन है 100 BHP की पावर बनाता है, हालांकि थोड़ा सा 3 सिलेंडर का है वो, तो स्टार्टिंग के टाइम में जब स्टार्ट करेंगे ना तो हल्का फुल्का उसमें NVH लेवल के इशू लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। काफ़ी रिलायबल इंजन है दोस्तों, तो काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देगा। तो इस प्रकार से जानकारी रहेगी, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।